आप भी कैसे खेत पर ड्रिप लगा सकते हैं और अच्छे तरीके से 2 से 3 घंटे में 1 एकड़ में आप भी ड्रिप लगा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हम वो आपको दिखाएंगे और कितना खर्चा लगेगा इसमें वो आपको बताएंगे और कितना कम पानी भी होगा आपकी ड्रिप चालू हो जाएगी, ज़्यादा पानी होगा तो भी चालू हो जाएगी, और कितना नल लगेंगे, कितना पाइसर लगेंगे, क्या क्या इसमें फ़िल्टर लगेंगे और कौन सा पेप्सी वाला लगाओगे तो कितना में आएगा और कड़क वाला कितने में आएगा, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। ड्रिप कोई से भी पाइप में लगा सकते हैं दोस्तों, आप साप्टा ले लीजिए 200 फीट का, उसमें भी लगा सकते हैं, 63 mm का पाइप है उसमें भी लगा सकते हैं, या आप फुहारे के पाइप में भी लगा सकते हैं, 90 mm का भी लगा सकते हैं, 75 के में भी लगा सकते हैं, कोई सा भी पाइप आपके पास वो लगा सकते हैं। अगर आपको ख़रीद के लाना है तो आप 200 फीट का जो साप्टा आता है कड़क वाला वो लाइए, वो आपको सस्ता पड़ेगा, वो 3000 से 3500 रुपये में आपको 200 फीट हो जाएगा। अगर आप पाइप लेंगे ये कास्ता के तो ये आपको 550 में पड़ेगा, तो आपका 5500-6000 रुपये लगेगा, और अगर आप ये ट्रिप ये साप्टा लेंगे तो आपको 3000-3500 में ही हो जाएगा, आपका 2000 बच जाएगा इससे। ये थोड़ा महंगा आता है और ये सस्ता आता है। सर्विस ये भी वही देगा। आज हमारे खेत में 12 साल हो गए हैं इस पाइप को, साप्टे पे हमने इस पर ड्रिप लगाई हुई है, इसमें हमने रेन पाइप भी लगाया हुआ है, दोनों सिस्टम लगे हैं इसमें, और ये 10 साल से चल रहा है दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप भी साप्टा लाइए, साप्टा आपका 200 फीट का पूरा आता है, इसमें कोई लगाने करने का झंझट नहीं है। और अगर आप ये 20 फीट के छड़ लाएंगे तो इंसुलेशन लगाना पड़ेगा और आपको स्क्रू कसने पड़ेंगे और बार बार पाइप निकलने का डर है, और अगर आपने साप्टा लगाया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 400 फीट 500 फीट कितनी भी लंबाई ले सकते हैं। तो दोस्तों 1 एकड़ के लिए आपको ऐसे ड्रिप के बंडल 5 से 6 बंडल लगेंगे, और आपकी इसकी दूरी रखनी है 300 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर 300 से 500-600 फीट आपकी लंबाई है खेत की तो आपको बीच में पाइप डालना है और उस पाइप में दोनों तरफ छेद करना पड़ेंगे, इधर भी करना है इधर भी करना है। देखिए दोस्तों कैसे ड्रिप लगाई जा सकती है, आपको दुकान वाला ऐसे ड्रिल देगा, ऐसे ड्रिल से आप इसे घुमा कर 7 से 8 बार ऐसे घुमाया आपके पाइप में होल हो जाएगा, ऐसे होल कर दीजिए और फिर आपको एक वाइसर आएगा, ऐसा वाइसर एक वाइसर लेना है और इस होल में लगाना है इस तरीके से, ये वाइसर अंदर एक बार अगर लग गया दोस्तों तो ये निकलेगा नहीं, नल टूट जाएगा पर ये वाइसर नहीं निकलेगा और एक बूंद भी आपका पानी नहीं निकलेगा। देखिए दोस्तों ये वाइसर लग गया, ऐसा नल आता है, ये वाइसर की कीमत 2 रुपये हैं और ये नल की कीमत 3 रुपये। अगर आप 1.5 बीघे में ये लगाएंगे, 1 एकड़ में लगाएंगे तो आपके 60 से 65 नल लाना है और 60 से 65 वाइसर लाना है और एक ड्रिल मशीन लाना है, जो जितनी दूरी पे आप अगर लगाना चाहते हो उस हिसाब से नाप तोल कर जहाँ जहाँ छेद करना है वहाँ कर लीजिए, और आपको इस तरह से ऐसे छेद कर वाइसर लगा कर इसमें अंदर नल लगा दीजिए। ये देखिए ये नल लगाया है, आपको ये ध्यान रखना है जो एक केप आ रही है इसको अंदर नहीं लेना है, इस केप को बाहर रखना है, जैसे आप इसको ड्रिप लगाएंगे इस तरह से, इस तरीके से आपको ये केप वापस के ऊपर चढ़ाना है कि आपकी जो नली है ड्रिप की वो निकले नहीं। और दोस्तों इसमें आप कोई सा भी पाइप ले सकते हैं, ये 63 mm का पाइप है, इसमें आप फुहारे के पाइप भी ले सकते हैं या साप्टा भी ले सकते हैं 200 फीट का। तो ये फुहारे वाले पाइप महंगे ज़रूर पड़ेंगे, ये जो देख रहे हैं साप्टा ये सस्ता पड़ेगा, ये 3000-3500 में आ जाएंगे और 1 एकड़ के लिए एक साप्टा काम हो जाएगा आपका। और ये अगर फुहारे के ये पाइप लाएंगे कास्ता के तो ये 10 पाइप लगेंगे, ये 5500 रुपये के आएंगे और ये 3000 रुपये में आ जाएगा, तो आपकी इसमें 2000 बच जाएंगे। सर्विस ये भी देगा, पर बाकी इसमें क्या है, अगर आप साप्टा लाएंगे तो आपका जॉइंट खुलने का डर रहेगा, आपको सोल्यूशन लगाना पड़ेंगे और स्क्रू कसना पड़ेंगे। अगर आपने साप्टा लगाया इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा 200 फीट का आता है और ये एक बार अगर आपने लगा दिया अच्छा गर्म कर फिर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इसे ड्रिप लगाना है, इसे छेद करके 60 से 65 नल आपके खेत में लगाना है 1 एकड़ के लिए, तो इसका खर्चा टोटल करीबन 12 से 14 हज़ार रुपये में आपका 1 एकड़ में हो जाएगा। और ऐसा आपको एक फ़िल्टर भी लाना है
जो आपके फर्स्ट पॉइंट पर लगेगा। इस फिल्टर को दोस्तों आपको हर 8 दिन में साफ करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से छन छन कर पानी जाता है और जो भी कचरा मिट्टी रहता है इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको आपको 8 दिन में साफ़ करना है। अगर आप 8 दिन में साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें कचरा जम जाएगा और पानी का प्रेशर आएगा तो आपकी पाइपलाइन फूट सकती है या उखड़ सकती है या पाइप फार हो सकता है। तो ध्यान रखिए, 4 से 5 दिन में आप इसको साफ़ करके अच्छी तरह से। और दोस्तों आपको खेत पर अगर इधर भी पानी ले जाना है, इधर भी ले जाना है, तो आप ये सिटी लगा कर इधर ले जा सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। एसीटी लगा कर कहीं भी पानी को यहाँ वाल लगा सकते हैं, यहाँ भी वाल लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। आपको जिधर पानी देना है इधर देना है, इधर का वाल बंद कर दिया, उधर देना है उधर का वाल बंद कर दिया। तो आप इस तरह से अपने बैठे बैठे एक ही जगह पर कम पानी में ड्रिपिंग से सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो ड्रिप आती है पेप्सी वाली, इसमें 2 छेद आते हैं, ये छोटे छोटे छेद देख रहे हैं आप, इनमें पानी बूंद बूंद आता है। और दोस्तों ये 1 फीट पर भी ड्रिप आता है इसका, और 1.25 फीट पे भी आते हैं। तो आपको जैसी फसल लगानी है उस हिसाब से आप ड्रिप लीजिए। ड्रिप एक बंडल 2400 रुपये का आता है, स्टार्ट होता है। ये पेप्सी वाला है, ये 2400 रुपये में आता है। अगर आप कड़क वाला लेंगे तो वो 3000 3200 3500 में आएगा। वो भी यही सर्विस देगा, ये भी वही देगा।